पब्लिक टीवी आपकी आवाज। थाना नागफनी क्षेत्र के दीवान बाजार में उस समय अफरा तफरी मच गई जब दबंगों द्वारा एक मकान पर कब्जा करने का मामला सामने आया, जहां दबंगों ने घर में घुसकर जमकर मारपीट की और सारा सामान सड़क पर फेंक दिया। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से इलाके में अफरा तफरी मच गई। वही घटना की पूरी वारदात पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें दबंग किस प्रकार से महिलाओं व बच्चों को बुरी तरह मारपीटी कर रहे थे। ये खबर जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पुलिस हरकत में आई। वही पूरी वारदात के बारे में पुलिस का कहना है कि जांच के बाद दोनों पक्षों का 151 में चालान काटकर जेल भेज दिया है। फिर हमारे खिलौने तोड़ के दिए सारे। अच्छा, फिर मम्मी के कपड़े फाड़ दिए उन्होंने। बहन को किसने मारा? तुम्हारी बहन को? बहन को उन्होंने मारा, लड़कियों ने। क्यों मारा था? मारा थे कोई लेके तो एकदम मार दिया उन्होंने, जब मैं भी फाड़ा। तो काफी दिनों से मुकदमा चल रहा आप लोगों का, पुलिस की निगरानी में है। मुकदमा तो कुछ चल रहा है, हमारा कोई मैटर है। उनकी शादी हुई है, वो बरेली में किए थे, इन्होंने ये लिया है घर। ये जबरदस्ती आई और घुसने लगी थोड़े से पहले। ये पहले से रह रही है हमारे पास, फोटो किराए पे रख दिया गार्डन के लिए। घुस रही थी अभी तो किराया, अभी बता रहा किराया। कुछ नहीं था अंकल, कुछ भी नहीं था। अरे ये तो यहीं पे रहते चले आ रहे हैं, हमने खुद देखा है यहाँ पे, फोटो देखेंगे। इनसे खरीदा है, इनसे खरीदा है, आपने खरीदा है इनसे मकान? जी अगर ये हमारी भी नहीं है, हमारी तो फिर यहाँ जबरदस्ती घुस रही है। देखिए कब घुस रहेंगे? अभी तो ये हमारी सीस आई हुई थी, वो बरेली से यहाँ पे करूले में उनकी कोई रिलेटिव है, वहाँ से आई हुई। उन्हें पता चला, उन्हें पता चला यहाँ के लोगों ने, किसी ने बताया तो वो बोले अरे हमारे घर में कोई घुस रहा है अंकल यहाँ पे। अच्छा, ये मोहल्ले के लोग बेवकूफ है जो बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत जमाने से रह रहे हैं लोग? अंकल बता रहे हैं, बताइएगा। ऐसे तो बताते हैं लोग, खरीदे भी होते हैं, तो ये थोड़ी आप उनकी मान लोगे। लगभग 10:30 बजे के लगभग एक सूचना मिली थी, मेरे सब इंस्पेक्टर ने दी थी कि सब दीवान के बाजार में कुछ झगड़े की सूचना है। उसी समय मौके पे मैंने तुरंत सब इंस्पेक्टर लेपर्ट्स को भेजा, हमने देखा स्थिति क्या है, देखे जा रहे हैं। उसके बाद मैं भी स्वयं मौके पे गया था। उन महिलाओं में एक रुबीना नाम की है, एक कौसर जहाँ, ये दो पक्ष हैं। इन दोनों पक्षों में विवाद हुआ है, दोनों पक्षों की महिलाएं व पुरुष थाने ले आए, उनको लाके मैंने यहाँ बिठाला है। जिसके किसी की चोट है वो मेडिकल के लिए भेजा, और पूरी सच्चाई जिसकी होगी उसकी मदद की जाएगी, और जिसने अपराध किया है उसके विरुद्ध ठोस कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ सही जानकारी है किस बात को लेकर? प्रथम दृष्टया संज्ञान में आया है कि रुबीना नाम की जो विधवा है, ये मकान उसका है, कह रहे हैं अभी। उसका कहना है कि ये लोग मेरे मकान में कब्जा करने आए थे। दूसरा पक्ष कौसर जहाँ है, वो कह रही कि मैं इस मकान में किराएदार थी, मेरा सामान निकाला है। अब गहराई से जांच की जाएगी, जो भी पक्ष दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। मैंने दोनों पक्षों से कहा है कि अगर आपके पास कोई पेपर है, पेपर्स हैं, एविडेंस है, तो आप लाइए, प्रस्तुत करिए, अन्यथा उसके हाँ अन्यथा जिसने भी अपराध किया उसके विरुद्ध ठोस कार्रवाई।